नमस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस दिखाने जा रहा हूं और इसका एरिया आपका 117 गज में बना हुआ है। और इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये आपका आगरा में कमला नगर में कर्मयोगी फाउंटेन पड़ता है उसके पास बना हुआ है। और ये हाउस आपका डबल स्टोरीज का हाउस है। चलिए देखिए एक बार, ये आपका फ्रंट है। ये इसके फ्रंट का एलिवेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कार के चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए बनाया जा रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है। इस हाउस का फ्रंट आपका 20 का फ्रंट दिया हुआ है। इसमें आपकी पार्किंग ने काफी बड़ी हुई रखी है, टोयोटा की कार आपकी इजीली पार्क हो जाएगी। और आपके यहाँ पर ये विंडो का वर्क किया गया है, आप ये देखिए। अभी यहाँ पे ग्लास लगना बाकी है, वो लगेगा। और वॉल्स में अभी पेंटिंग का काम हुआ नहीं है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा भी करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये आपकी पाइपलाइन वाला दे रखा है, वाटर का रिसोर्सेज है आपका। यहाँ से पानी निकलने के लिए बनाया गया है, ये उसका डक है, ठीक है। और इसकी एक चीज बताऊं, इसमें आपके दो डोर्स दिए गए हैं एंट्रेंस के लिए। एक आपका यहाँ पे ये डोर है और दूसरा आपका उधर आगे की तरफ से, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, दूसरा डोर आपका इधर के लिए, आपकी एक छोटी सी गैलरी दे रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं या फिर उसके अलावा गार्डन बना सकते हैं। आपका यहाँ पे समर का कनेक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, बाहर की तरफ से दिया गया है समर का कनेक्शन। और यहाँ पे विंडो लगी हुई है और ये दूसरा डोर आपका ये वाला। जैसे ही हम इस डोर से अंदर आएंगे तो हमारा ये सबसे पहले हॉल पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, इस हॉल में नीचे जो टाइलिंग कवर किया गया है वो आपका ग्रेनाइट की टाइल लगी हुई है, रेक्टेंगल शेप में लगी है। ऊपर आप फॉल सीलिंग इसमें देख सकते हैं, इसकी फॉल सीलिंग अभी पेंट किया नहीं गया है, इसमें पेंट अभी होना बाकी है। और इसमें जो आपकी स्टेयर्स हैं वो आपके अंदर से बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें भी आपका स्टेयर्स स्टील कवर किया गया है। इसकी पार्टीशन को आप देखिए, ये जो पार्टीशन दे रखी है इसको जोड़ करके बनाया गया है, सेपरेट किया गया है। एक ये वाला हॉल आपका और दूसरा ये वाला। अब हम थोड़ा सा इधर आएंगे, ये आपकी ओपन स्पेस में यहाँ पे सीढ़ी गई है। ये जो स्लिप है आपकी, ये ग्रेनाइट की स्लिप बनाई गई है और दो पत्थरों को जोड़ के इसको बनाया गया है। ये वाला गैप आपकी चिमनी के लिए छोड़ा गया है, यहाँ पे आप अपनी चिमनी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में ये ऊपर देखिए कवर्ड बाड़ी काफी, और ये जो कवर्ड दे रखी है काफी अच्छी स्पेस के साथ इसमें कवर्ड दी गई है। अगर आप इस वजह से छोड़ देंगे तो ये इसलिए अपने आप बंद हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने रूम्स के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी इसमें पेंटिंग का काम जो है वो थोड़ा रह गया है, वो होना बाकी है, आप इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं ये लेफ्ट वाले रूम में। इसमें आपका टाइलिंग का वर्क वही सेम पैटर्न में रहेगा और आपकी वॉल्स है। इसके रूम का साइज आपका 12x10 का है। इस एरिया को आप अपनी लॉबी या फिर ऐसा वॉशिंग एरिया भी इसका यूज कर सकते हैं। ऊपर आप देखिए ये आपका डक बना हुआ है जिससे आपका वेंटिलेशन पूरा है। ये आपका कॉमन लेटवाथ यहाँ पर बना हुआ है, इसमें आपकी 8 फुट की इसमें टाइल दी है। और अगर आप इसमें इंडियन या वेस्टर्न जैसा लेटवाथ चाहेंगे वैसा इसमें बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे वाले रूम में। आपके इस रूम का साइज भी 10x12 का इसमें साइज रहेगा। सामने आपकी ये विंडो दे रखी है, एसी के लिए पॉइंट भी इसमें बना हुआ है। विंडो एसी आप चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं और अदरवाइज आप स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। इस वाले रूम में आपका अटैच इसमें लेटवाथ बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। उसका पैटर्न जो है वो आपका थोड़ा सा इससे डिफरेंट बनाया गया, एक बार उसको देखते हैं। आइए, ये देखिए आपकी स्टेयर्स बनाई गई है। स्टेयर्स में आपके ये स्टेनलेस स्टील की ग्रिल बनाई गई है। जैसे आप इसमें ऊपर आएंगे आपका ये लॉबी वाला एरिया पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें एक ऐसा पार्टी हॉल भी इसका यूज कर सकते हैं, काफी बड़ा इसका एरिया है। आपका यहाँ पे एक रूम इधर की तरफ दिया हुआ है और साथ ही साथ में ये इस जगह पे आपका कॉमन लेटवाथ इसमें बनाया गया है। और एक डोर आपका ये मेरे लेफ्ट साइड में, ये आपका ओपन इसमें छत है, टूट जाता है। पहले मैं आपको छत दिखा दूं, ये आप देखिए काफी बड़ी इसमें छत रखी है वेंटिलेशन के लिए। ये आपका ये डक बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर ये स्टेयर्स और दे रखी है, लोहे की लगाई गई है। ताजी हवा में सांस लेना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, तो आप ऊपर छत पे जाके
ताजी हवा ले सकते हैं। और आपको लाइट के स्विच यहाँ बाहर भी दिए हुए, आप यहाँ पे भी लाइट का कनेक्शन कर सकते, आप यहाँ पर भी लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं, काफी अच्छा है इसमें। अब हम लोग चलते हैं अंदर वाले रूम में। रूम आपका ये बाहर ही बनाया गया है, आप देखिए इस वाले रूम का साइज आपका 12x15 का है, और साथ में आपका वेंटिलेशन के लिए जगह पे जंगला दिया हुआ है। और ये वाला जो डोर है ये आपका बालकनी के लिए डोर है, इसमें आपकी बालकनी काफी बड़ी दे रखी है। आइए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इस साथ साथ में आपकी बालकनी, ये आपकी बालकनी इसमें काफी बड़ी दे रखी है। ओपन स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देखिए ये आप अपने यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं इजीली, काफी बड़ी इसमें बालकनी है, और छोटा सा आप गार्डन भी यहाँ पे बना सकते हैं। We'll be right back.